नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग से 40 सदस्यीय टीम पहुंची। 7 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान पहुंची डीवीसी। खबर झारखंड के धनबाद के निरसा छत्तीसगढ़ से दामोदर घाटी निगम में छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग के द्वारा 40 सदस्य की टीम प्रशिक्षण के लिए पहुँचे, जिसमें डीवीसी में सहायक इंचार्ज ओबी हेमब्रम ने बताया कि छत्तीसगढ़ से प्रशिक्षण के लिए आए 40 लोगों की टीम को हम लोग द्वारा मत्स्य पालन के बारे में बताएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि मछली में कैसे हार्मोन्स डालते हैं, किस तरह जीरा तैयार किया जाता है। सीएसआर के तहत हमारे द्वारा मछली जीरा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। मत्स्य जीरा जून महीना से तैयार की जाती है। टीम के नेतृत्व कर रहे छत्तीसगढ़ के कृषि पदाधिकारी शेखर कुमार सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बंधुओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण के हमें भेजा है। भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, मत्स्य पालन, फूलों की खेती जैसे चीजों की प्रशिक्षण के लिए भेजा है, जिसमें आज हम लोग झारखंड के डीवीसी मेथन आए हैं। यहाँ के प्रशिक्षकों द्वारा बहुत ही तकनीकी ध्यान से कृषि बंधुओं को विस्तृत जानकारी दी है। टीम में निर्मल रजक, ओबी हेमब्रम, दुलाल सेन, रंजीत गोराय, अजय किस्कू, मनु बेसर, विकास बावरी, मंगल सोरेन, कृष्ण राय, कालीपद राय। धनबाद जिला बियोमरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट। में आप लोगों सर बच्चों लोगों को सर परीक्षण दिया जा रहा है सर, क्या अभी तक परीक्षण मिला सर बच्चों लोगों को? हम लोग छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला संभाग के सूरजपुर जिले से आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने कृषक प्रशिक्षण शैक्षणिक भ्रमण के हेतु आपके डीवीसी के मैथन संस्थान में मत्स्य प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है, जिसे हमारे कृषकों ने बहुत ही आकर्षित रूप से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उम्मीद करते हैं भविष्य में इसका लाभ हमें छत्तीसगढ़ के कृषकों को मिलेगा, जिससे उसका आर्थिक और सामाजिक वृद्धि होगी। आप लोग को प्रशिक्षण में क्या क्या सीखने को मिला या क्या क्या सुविधाएँ मिली हैं यहाँ पर बताई गई है? यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सुविधाएँ मिली हैं, जो हम जितना चाहते थे उससे अधिक मिली हैं, और हमारे कृषक बंधु भी काफ़ी खुश हैं। आप स्वयं इनके समक्ष है, पूछ सकते हैं, और काफ़ी तकनीकी ज्ञान माननीय श्रीमान मदन जी हैं, निर्मलकर जी हैं, उनके द्वारा दिया गया है, और तकनीकी रूप से काफ़ी समृद्ध आपका डीवीसी है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए, उसके लिए आप लोगों का आभार है। और मत्स्य के अलावा यहाँ किन चीज़ों को प्रशिक्षण दिया गया है? हमें मत्स्य के अलावा भूमि संरक्षण संबंधित दिया गया, फूलों खेती के संबंधित बात बताया गया उनको, और उन्नत खेती जिन जो वानिकी के लिए दिया गया है आपको, जो है वेजिटेबल क्रॉप्स के ऊपर दिया गया है, मतलब समन्वित खेती के ऊपर पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया है। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा डॉक्टर शेखर कुमार सोनी, मैं कृषि विभाग अधिकारी जिला सूरजपुर पोस्टिंग छत्तीसगढ़। जो बच्चे मैथन में मत्स्य के बारे में जानने आए सर, किस तरह से जानकारी दिए और किस तरह से वो बच्चे उस मछली को पालन करके अपना अपने आप पैरों पर खड़ा हो सकते सर, बताएं थोड़ा सा। हम लोग जो है कि यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग का काम क्या है या इन लोग को क्या दिखाना है, क्या समझाना है। हम लोग यहाँ पर जो है कि बड़ी मछली से जीरा तैयार करते हैं, मछली का बच्चा तैयार करते हैं, और ये प्रोसेस ये सारा ब्रीडिंग पूल हैचरी के द्वारा होता है, और हम लोग यहाँ पर निःशुल्क वितरण करते हैं, डीवीसी निःशुल्क देती है इसको, ठीक है। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, ये जो प्रशिक्षण लेने आए हैं, इन लोग को हम बताएंगे कि किस तरह से मछली का पालन पोषण किया जाता है, किस तरह पॉन्ड को तैयार किया जाता है, किस तरह से ब्रीडिंग पूल में मछली को इंजेक्शन करके उसको हार्मोन इंजेक्शन देने के बाद छोड़ा जाता है, किस तरह अंडा आता है, कितने देरी के बाद अंडा आता है, उसके बाद हैचरी में जा कर के वहाँ अंडा हैचिंग होता है, वहाँ से बच्चे निकलते हैं, कितने दिन में निकलते हैं, ये सारी जानकारियाँ अभी हम इन बच्चे लोग को देंगे। अभी आप लोगों को जो छत्तीसगढ़ से हजारीबाग आया और हजारीबाग से अभी मैथन आए, तो सर अभी किन किन चीज़ों का परीक्षण और क्या क्या सीखने को मिला बताएं आप? पहले सर मिट्टी का प्रशिक्षण बताएं, उसको जानकारी लिए हम लोग, इसके बाद और फूल का जानकारी और पेड़ पौधे के बारे में, और तालाब देखे सर, और चाय पत्ती का खेती का जानकारी दिए, पूरा हम लोग समझे, पूरा उसको देखे बताए, और नाम है उसके फल फूल के बारे में बताए, हम लोग रखें ध्यान में, हम छत्तीसगढ़ में जाके पूरा स्थिति बना के कोशिश करेंगे सर। यानी सर के द्वारा जो परीक्षण आप लोगों को मैंने बताया गया, परीक्षण दिया गया, तो कहाँ तक संतुष्ट है आप लोग? हम लोग सर जितना बताए उतने में पूरा में संतुष्ट हैं सर। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार। सर के द्वारा जो परीक्षण दिया गया सर, क्या क्या सीखे हैं कुछ बताएं? हम लोग आए, इसके सबसे पहले तो हम लोग जमीन के
मिट्टी प्रतिसर में गए और उसके बाद वहाँ वो डैम बनाने का नियम सिखाया हम लोग को, जैसे पानी रोकने से ज़्यादा रुकावट हो सके तो खेती बाड़ी अच्छे से तरीके से हो जाए। अभी आपको मैथन में मछली मत्स्य के बारे में जानकारी दी गई, तो सर क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? इसमें हम लोग को कि देखने में हम लोग को बहुत यहाँ अच्छा लगा और जो बताए वो भी अच्छा लगा। आपका नाम? शिव शरण पैकरा।